गाइस वेलकम टू हैप्पीनेस इज हियर। गाइस मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बच्चों के लिए कुछ योगा बताए थे। आई होप आपने अपने बच्चों को जरूर कहा होगा वो योगा करने के लिए। तो आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ योगा के ऊपर, और ये योगा बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे वीरभद्र आसन टाइप 1। ताड़ासन की मुद्रा में खड़े हो जाएं, फिर अपने पैरों को 2 से 3 फीट की दूरी पर रखें और अपनी बाजुओं को कुछ इस तरह की पोजीशन में ले जाएं और अपने हाथों की पोजीशन ऊपर को रखें आसमान की तरफ, और फिर अपनी बाजुओं को सिर से ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपने हाथों को जोड़ दें, फिर दाईं ओर मुड़ें और अपने दाएं पैर को बाहर की तरफ मोड़ें और बाएं पैर को अंदर की तरफ थोड़ा सा मोड़ें, और दाएं घुटने को इस तरह से मोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकें और अपने हाथों की तरफ देखें। इस मुद्रा में आपको लगभग 10 से 15 सेकंड्स तक रुकना है। फिर इसी मुद्रा को आपने बाएं तरफ दोहराना है। बाएं पैर को बाहर की तरफ और दाएं पैर को अंदर की तरफ मोड़ें और बाएं घुटने पे झुकें और अपने हाथों को देखें। वीरभद्र एक योद्धा था, उसी के नाम पर ये आसन का नाम रखा गया है और इस आसन को वीर मुद्रा भी कहा जाता है। यह आसन सहन शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही इससे हमारी छाती और फेफड़ों को मजबूती मिलती है, और साथ ही हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और पीठ की मांसपेशियां जो हैं उनको भी मजबूती मिलती है। तो ये आसन आप लोग रोज करें और अपने बच्चों को भी करने को कहें। अब कुछ सेकंड्स का रेस्ट लेके हम लोग करेंगे वीरभद्र आसन टाइप 2। ताड़ासन की स्थिति में खड़े हो जाएं और फिर अपने पैरों को 2 से 3 फीट की दूरी पर रखें, अपनी बाजुओं को ऊपर ले जाते हुए इस पोजीशन में रखें, और फिर आपके हाथों की पोजीशन है ना वो ज़मीन की तरफ होनी चाहिए अभी। फिर अपने दाएं पैर को बाईं तरफ खोलें थोड़ा सा और अपने बाएं पैर को अंदर की तरफ मोड़ें और दाएं घुटने पे झुक जाएं। अपने दाएं हाथ की तरफ देखें और इस तरह से आपने पोजीशन रखनी है कि जैसे दाईं तरफ आपको कोई खींच रहा है। साधारण तरीके से सांस लें। अब इसी पोजीशन को आपने बाईं तरफ रखना है, बाएं पैर को बाहर की तरफ मोड़ना है और दाएं पैर को अंदर की तरफ और बाएं हाथ की तरफ देखना है और खिंचाव रखना है अपने कि आपको कोई खींच रहा है बाएं तरफ, और नॉर्मल तरीके से सांस लें। ये भी एक वीरभद्र आसन का ही दूसरा टाइप था। अब इसके बाद आप कुछ सेकंड्स का रेस्ट लें। अब हम करेंगे हलासन। हलासन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, थायराइड के लिए, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, जिनके बाल झड़ रहे हैं उसके लिए, और फिर पेट की चर्बी को कम करता है। सो बहुत सारे, मोर देन 30 इसके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले शवासन की स्थिति में लेट जाएं और फिर अपनी टांगों को इकट्ठा करके इस पोजीशन में लेके आना है। सर से ऊपर आपको ऐसे ले जाते हुए पैर इस तरह से रखने हैं, पूरा जैसे हल होता है ना, हल देखा ही होगा आपने, उस पोजीशन में आपको अपनी बॉडी को रखना है। जो लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते वो इस तरह से अपनी पीठ को सपोर्ट भी दे सकते हैं। मैंने कर लिया, पर आप लोग अगर शुरुआत कर रहे हैं तो इस तरह से सपोर्ट देके करें और फिर धीरे धीरे शवासन की स्थिति में आ जाएं। इसके बाद जो हम आसन करेंगे उसको बोला जाता है अर्धहला आसन। जो लोग हलासन नहीं कर सकते, जिन लोगों का पेट बहुत बढ़ा हुआ है, उन लोगों को हलासन शुरू में करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो उससे पहले आप शुरुआत करें अर्धहलासन से। उसके लिए सबसे पहले आप शवासन में लेट जाएं, अपने हाथों को इस पोजीशन में रखें और अपनी दोनों टांगों को एक साथ इस तरह से, यहाँ देखें, इस पोजीशन में ऊपर लेके जाना है और फिर नीचे लेके आना है, ऊपर नीचे इस तरह से लेके आते हुए आपको कम से कम 10 to 20 times तो करना ही करना है, तभी आप कुछ दिनों के बाद हलासन कर पाएंगे। दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए योगा अभ्यास हर रोज़ करें, ठीक है? तो गाइस देखा आपने, मैं मानती हूँ कि ये थोड़े से मुश्किल है पहली वाली वीडियो के कंपैरेटिव,
लेकिन आप रोज करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं रहेगी। तो आप रोज योगा करें, एक्सरसाइज करें, जो आपका दिल करता है करें, लेकिन जरूर करें और फिट रहें। तो अब मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और फिट रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।